अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाहर रोड पे निकला हूँ। थोड़ा मैंने सोचा कि आवाम से पूछते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। वो महंगाई है, कल पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ है, 13 रुपये जो है ना और मजीद महंगा होने वाला है। तो देखते हैं क्या कहती है आवाम इस बारे में। तो आप भी प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं नाज़रीन। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक आम शाहरा के ऊपर, रोड के ऊपर। तो कल 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है और 13 रुपये डीजल महंगा हुआ है। तो लोगों से जानते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो अपने बारे में। सही है, तो आपने मेरे साथ रहे लोगों के मैं हम पास रहा बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे पेट्रोल 5 रुपये फिर हुकूमत ने महंगा कर दिया है, तो क्या लग रहा है आपको? ये अभी कोई मसला समझ आ रहा है? कोई 13 रुपये डीजल महंगा हो गया तो ये सूरत हाल समझ नहीं आ रही है। क्या कर सकते यार गरीब आवाम, और क्या करे? रोडों पर तो इमरान खान के लिए लोग निकले, और हम क्या करें? इन लोगों ने तो बहुत महंगाई शुरू की है। रोड पे निकलना है या क्या है? क्योंकि जो आवाम है उसकी परेशानी तो वही है। क्योंकि अभी देखो ना, कोई रेट बढ़े हैं, गुर्बत ज्यादा हो गया। गुर्बत की वजह से हम क्या करें? और कुछ भी नहीं कर सकते, बस जो बस में होएगा वही करेंगे। और क्या करें, अब रमजान आने वाला है। रमजान शरीफ में केला जो है अभी पहले 100 रुपये दर्जन था, फिर रमजान में 200 रुपये दर्जन हो जाएगा। तो आज 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इससे भी तो मजीद और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, होएगा ना। और लाजमी बात है, चीनी आटा हर चीज महंगा होएगा। तो ये इनको करना चाहिए कि भाई रमजान में कुछ कमी पेशी करे। इस्लामी मुल्क है, इतना बाबरकत महीना आया, इसमें कमी पेशी करनी चाहिए। कोशिश कर लेते कि भाई महंगाई कम हो जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाने की कोशिश करते, कम करने की कोशिश नहीं करते। इस्लामी मुल्क है, फिर भी कम नहीं करते। बाहर मुल्क जो है ना, उधर कोशिश यही होती है। मैं जब कोई मकसद मजहबी त्यौहार आता है उनका या कुछ होता है, तो चीजें उनके ढील लग जाती है, आधे रेट पे देने लग जाते हैं। तो हमारे मुल्क में तो चीज डबल हो जाती है। बिल्कुल डबल, ट्रिपल हो जाती है, बल्कि डबल भी नहीं हो जाती, ट्रिपल हो जाती है। नवाज शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए, शहबाज शरीफ तो बस अपने मजे कर रहे, कभी इधर कभी उधर। शहबाज शरीफ तो बस अपने मौज मस्ती में लगा हुआ है, ये नहीं देखता है कि मुल्क का हालात क्या है, गरीब आवाम का हालात क्या है। बस मरियम तो कह दिए कि हम, शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि मैं 40,000 रुपये गरीब को दूंगा। ये 40,000 रुपये हटा के और गुर्बत को कम करो। मरियम नवाज कहती थी कि अगर आप देखें कि आपके मुल्क में पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ है, तो समझ लो कि आपका वजीर आजम चोर है। इन्होंने आगे तो 40-40, 50-50 रुपये बढ़ाया। तो ये शुरू से ही पता है कि ये चोर है, ढके थे, लेकिन क्या करे सर, इनके बारे में और क्या कहूँ। ये सारे चोर है। हमारा मौलाना फजल रहमान जो है, मैं खुद जो था जमीयत में था, जमीयत से मैं PTI में वापस आया हूँ। सही है, क्यों आया? कि जमीयत वाले खुद दो नंबर है। मालूम हमारा मौलाना फजल रहमान साहब तो है दो नंबर साहब। बात जो है, मौलाना फजल रहमान के पार्टी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, और उसके इसके बाद तो दिल ही नहीं चाहते कि भाई हम जमीयत को वोट दे या जमीयत के साथ खड़े हो जाए। और महंगाई के जब इमरान खान ने थोड़ी सी महंगाई की थी, तो मौलाना फजल रहमान सबसे पहले चीख चीख के कह रहा था कि भाई महंगाई की हुई है, महंगाई के लिए सबसे पहले आवाम को इकट्ठा किया था कि भाई आ जाओ। तालिब इलमों को, उस्ताजों को, मदरसों के जितने भी तालिब इलम थे, सब हम उनके साथ खड़े हुए थे। सही है, तो ये अभी अभी जो है ना, आपको लगता है कि जब वो शुरू में जरा सी महंगाई हुई थी तो इतना शोर शराबा मच गया, लेकिन अभी ये सब कुछ होने के बाद भी इतना कोई निकल ही नहीं रहा, कोई महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये आवाम है, इतनी सारी बंदे खड़े हैं, क्या समझ रहा है? देखो, वो लोग निकल सकते हैं जिसके पास कोई आमदनी हो, किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं, मेरी बात सुनो, गाड़ी के लिए भी पैसा, निकलने के लिए भी पैसे की जरूरत है ना। अब मैं गाड़ी पे जाऊंगा तो मेरे पास पैसा ना होगा तो मैं कैसे जाऊँ? पेट्रोल के लिए पेट्रोल पैसों पे, खाना पैसों पे, उधर भी जाएंगे हम। PTI वाले तो जाते हैं अपने पैसों पे जाते हैं ना, कोई पैसे थोड़ी देते। इमरान खान उधर से पैसे थोड़ी भेजते। ये लोग जब जाते अपनी मर्जी से, लोग जा रहे हैं अपने मर्जी से, जाती अपने खर्चे पे, अपने अखराजात पे सब लोग जाते। सही है, और ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब वाले और शहबाज शरीफ वाले, ये इनका तो पता ही नहीं है कि भाई ये कैसे लोग इकट्ठे करते। हम तो अपने उसकी वजह से, अपने खर्चे के, अपने बलबूते की वजह से चलते। अब इतने अवाम करा हुआ, इनसे किसी भी पूछो, वो किसी ने एक वक्त का रोटी खाया होगा, किसी ने नहीं खाया होगा। बहुत ज्यादा महंगाई है, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ बहुत सारे आवाम के ऊपर है, वो मैंने देखा गया लोग बिल्कुल परेशान हाल है। हमारा मौलाना फजल रहमान साहब तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। हम उसी को कहते हैं कि भाई आप बाहर आओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो? महंगाई पहले भी थी ना, आप इमरान खान के लिए बाहर आए थे, अब आओ
शबाज शरीफ को भी बोलो ना बाहर आ जाओ, बोलो कि क्या मसला है। शबाज शरीफ को बोलने वाला कोई नहीं है क्या? गरीब आवाम क्या करे, खाने के लिए तरस रहे, आप बोल रहे कि बाहर आ जाओ, बाहर कैसे आवे? थोड़ा आगे निकलो, ये रोड जाम हो गया, सारी गाड़ियां जाम होगी।